डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए। टेंथ क्लास का मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता होगा, हम लोग एनसीईआरटी किताब से एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवालों को डिस्कस किया था। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन से एक्सरसाइज 5.3 का। चलिए तो बुक निकाल लीजिए, सवाल को देखिए, क्वेश्चंस पढ़िए क्या बोल रहा है इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखिए भाई, सबसे पहले 4 नंबर सवाल में बोला कि 636 योग है, यानी कि योग बराबर दिया है सवाल में, क्या क्या दिया है उसको लिख लेना चाहिए। तो योग बराबर दिया है 636। 636 का मतलब, योग का मतलब क्या, एसएन का वैल्यू 636 दे दिया, ठीक है। यानी कि योग का मतलब हम लोग देखे है ना कि एपी का योग जो होता है वो एसएन से सूचित किया जाता है। तो यहां एसएन का वैल्यू कितना दे दिया, 636। और फिर एपी दिया है, कौन सा एपी दिया है भाई, 9, 17, 25, फिर डॉट 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 का कितना पद लेना चाहिए। क्या बोल रहे सवाल में, इस एपी का 9, 17, 25 है, बोल रहे सवाल में कितना पद लेना चाहिए। कितना पद लेना चाहिए का मतलब एन का वैल्यू, तो व्हाट लैंग्वेज पढ़िए और उससे निकालिए। ए का वैल्यू, एपी कहां से शुरू किया जा रहा है, 9 से। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, तो बाद वाला में से पहले वाले को घटा लेते हैं, 17 - 9 क्या बच गया, 8। तो टोटल मिलाकर अब आप कौन से फार्मूला इस्तेमाल करोगे कि एन का वैल्यू निकल जाना चाहिए, तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि चूंकि एस एन का वैल्यू दिया है 636, ठीक है, क्या वैल्यू दिया है, 636, और एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाय टू 2a + (n-1)(d) = 636, ठीक है। अब n के वैल्यू तो नहीं दिया, n का तो मान निकालना है भाई, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। और हम लोग करेंगे क्या, मिटाने वाला कहां रख दिया भाई, हम ऊपर से मिटा रहे हैं। देखिए sn का वैल्यू 36 था और sn के नीचे फार्मूला लिख दिया, अब क्या करना है हमको, उसके जगह पे सबका वैल्यू पुट कर देना है। जरा देखिए हम लोग कैसे करते हैं, n बाय टू को n बाय टू छोड़ देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में 2 × a का मान कितना है, 9, प्लस n माइनस 1 को वैसे ही छोड़ देंगे, इंटू d का मान कितना हुआ, 8, ब्रैकेट में कितना, बराबर में 636। जरा इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, तो यहाँ एन बाय टू का एन बाय टू होगा, ब्रैकेट 9 × 18, और हम लोग ऐसा सिचुएशन रहता है तो 8 को पहले एन से गुणा करते हैं, तो 8n, 8 को -1 से, -8 = 636। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम क्या जानते हैं कि अगर कोई चीजें बाहर होती है उसको हम लोग दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n बाई टू को 18 से करेंगे, तो n बाय टू गुना 18 प्लस n बाय टू गुना 8n होगा, n बाय टू गुना में 8n माइनस n बाय टू माइनस सॉरी गुना 8 = 636। आपको क्या करना है भाई, हमको यहां से जो कट रहा होता है चीजें काट देंगे, तो 2 से 9 बार में कटा, 2 से ये 4 बार में कटा, 2 से ये 4 बार में कटा, तो टोटल मिलाकर यहाँ क्या आया, 9n प्लस 4n और n का मल्टीपल करेंगे 4n² माइनस यहां कितना, तो यहां हो गया 4n, ठीक है, = कितना, 636। हम फिर यहां से काम कर रहे हैं, 4n² को n² ऐसे ही छोड़ देते हैं, 9 में से 4 गया कितना बचेगा, +5n, और ये +636 है, इधर लाएंगे तो -636, बराबर में क्या बचेगा, 0।
दोस्त अब आपको क्या करना है, इसको इसको आप चाहो तो गुणनखंड विधि या फिर बहुत सारा विधि द्विघात द्विघाती सूत्र से भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक द्विघात समीकरण बन गया क्योंकि पावर कितना है, दो। तो इतना के आगे आपको द्विघात सूत्र में सिखाए थे कि 4x स्क्वायर रहता है तो x का मान निकलता है, यहाँ n का मान निकाल लीजिएगा आप किसी चीज से भी, गुणनखंड करके भी, द्विघाती सूत्र द्वारा भी। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला पता है ना, पहले विवेचक निकालते हैं, फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए करते हैं। तो इतना कि आपको आगे आपको खुद से सॉल्व करना है कि हम लोग गुणनखंड करके कैसे सॉल्व करते हैं। और पिछले क्लास में भी हम लोग ऐसे सवालों को सॉल्व किया था कि अगर दो द्विघात समीकरण आया था तो। तो इतना कि आपको आगे आपको खुद से सॉल्यूशन करना है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इसका वैल्यू निकाल के देखिएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो जो माइनस में आएगा वो अमान्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पिछला जो चैप्टर पढ़े थे ना द्विघात समीकरण, तो उस द्विघात समीकरण में तो हम लोग पढ़े थे कि अगर द्विघात समीकरण रहता है तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। फिलहाल चलिए चलते हैं आगे नंबर 5 पे। क्या बोल रहे क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं भाई, तो a बराबर हो गया 5, अंतिम पद 45 है तो अंतिम पद को an बराबर 45, और योग 400 है, तो योग का मतलब sn का वैल्यू 400 दे दिया। तो पदों की संख्या n का मान और सार अंतर ज्ञात कीजिए, d का मान निकालना है। भाई आप ये बता दो कि यहां पे तो an का भी दिया है और sn का भी दिया है, तो दोनों का फार्मूला बारी बारी से बनाओ। आप सबसे पहले लिखना, चूंकि an का मान दिया है 45, तो an के नीचे फार्मूला क्या, n का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, यहां से हो जाएगा कितना, a का मान कितना दिया है 5, तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 45। तो इसलिए एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना रख सकते हैं, 45 माइनस 5, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यानी कि एन माइनस इंटू डी का मान ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। अब आप लिखिएगा, अब एसएन का वैल्यू कितना दिया है भाई, 400, और एसएन का फॉर्मूला क्या है पता है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में कितना, 400। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो एन बाय टू, तो एन बाय टू रहेगा 2 गुना ए, तो ए का मान 5 है, तो 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 10। अब ये n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना रख सकते हैं भाई, तो इसके जगह पे रख सकते हैं 40, क्योंकि हम लोगों को पहले मान आ चुका है। देखो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना भाई, तो आपको हर कदम कदम पे एक नया चीजें सीखने को मिलेगी कि अगर किसी क्वेश्चंस को कैसे हमें ट्रीट करना है, कैसे करना है, ये आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जैसे हमने क्या किया, यहां से देखो एन का फॉर्मूला लगाया, अब n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू अगर निकाल लिया, देखो अब हमने ऐसा क्यों सोच लिया, क्योंकि हम आगे की बात सोच रहे थे कि आने वाला जो sn का फॉर्मूला है उसमें इसका मान रखा जा सकता है। तो n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू 40 आया, आप इस पूरा के जगह पर लग लिख दो कहां 40 बराबर कितना 400। तो अब इससे तो चल के तुम n का वैल्यू निकाल लेगा, कैसे भाई चलो दिखा देते हैं। n बाई टू को बारी बारी से गुना करेगा तो n बाई टू गुना 10 प्लस n बाई टू गुना 40 बराबर में कितना 400। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 2 से कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में, 2 से कितनी बार में कट रहा है 20 बार में, तो यहां हो जाएगा 5n प्लस 20n, ठीक है, बराबर 400।
तो 20 और 5 जोड़ेंगे तो 25n बराबर 400। तो n का मान निकालना था और d का मान निकालना था, तो n का तो वैल्यू यहां हो जाएगा 400 बटा 25, ठीक है 25। और इससे आप काट दीजिएगा n का वैल्यू जितना आएगा। अब इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर एक इसको, और n का वैल्यू जितना यहां से भाग करने से आएगा इसमें आप रख दीजिएगा, n के जगह पे उतना रख दीजिएगा बराबर 40, और d का मान खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप देखो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करोगे ना तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लेना है, आंसर तक पहुंचना है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट्स कर रहे हैं कि आपको क्या क्या निकालना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे भाई, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, तो प्रथम पद कितना दिया है, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद यानी कि ए और एन क्रमशः दिया है 17 और 350, ठीक है। यदि सार्व अंतर 9 है यानी कि सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं तो इसमें कितने पद हैं। देखो भाई पद निकालना है तो ये पद का मतलब एन, और योग निकालना है मतलब कि एस एन। आप समझो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। जो चीजें दिया गया है उसका फार्मूला लगाना है। क्या ए का फार्मूला होता है, नहीं होता है। एन का फार्मूला होता है, तो हाँ होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी का मान दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चूंकि ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है 350, तो एन का फार्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 350। अब तुम यहां पे क्या करना, ए का वैल्यू रख देना, ठीक है, और एन का वैल्यू छोड़ देना क्योंकि निकालना है ना, और डी का मान रख देना। और तो यहां से चलते 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 तुम्हारा किसका मान निकल जाएगा, एन का मान निकल जाएगा, और एन का मान निकल जाएगा तो एगो तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि एन का मान तो पूछ रहा है ना भाई सवाल में, तो एन का वैल्यू तुम्हारा आंसर भी आ जाएगा। और फिर क्या करना, पुनः चूंकि एस एन भी तो निकालना है तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो सबका मान तुम यहां पे रख देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। n का वैल्यू जितना आएगा ना ये वाला आंसर n के जगह पे रख देना, जैसे इसको इससे चलते 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 n का वैल्यू मान लिया जाए 52 आ गया, चाहे 58 आ गया, चाहे कुछ भी आएगा, हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, तो उस n का वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे। n का वैल्यू 11 आएगा, 10 आएगा, यहाँ यहाँ रख देंगे, और ए का वैल्यू पहले से दिया है, डी का वैल्यू पहले से दिया है, तो इससे चलते चलते सॉल्यूशन करते करते एक और आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें सवाल बोल रहा था कि एन का वैल्यू निकालो और एस एन का वैल्यू निकालो, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। खैर जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं दोस्तों उसको आप जरूर बनाइए। देखिए मेरा काम है एक रास्ता देना और आपका काम है उस रास्ते पे चलना। मान लिया आप तुम ट्राई किया, दो बार तीन बार गलत हो जाए, लेकिन कोशिश तो किया, और हम बहुत खुश रहते हैं वैसे स्टूडेंट से जो कोशिश करते हैं, और अपना एक बाय मिस्टेक की वजह से वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो जाती तो उससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा मेहनत करने वाला है और कर रहा है तो कहीं ना कहीं जरूर आने वाले टाइम में वो सफल होगा ही होगा, ये दैट इज गारंटी, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम लोग 6 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए, आने वाला क्वेश्चन 7 को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 7 बोल रहे हैं उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहे भाई, तो प्रथम 22 को पद बोल दिया, तो जैसे ही 22 पद बोला तो हमको समझ में आ गया कि क्या दिया है भाई, तो दिया है 22 गो पद यानी कि n का वैल्यू 22 का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए का मतलब sn का वैल्यू निकालिए, हर एक एक शब्द पढ़ना है और आपको उसका वैल्यू समझते जाना है।
जिसमें d बराबर 7 है, तो d बराबर 7 दे दिया, बहुत बढ़िया। और 22वां पद 149 है, देखो ध्यान से सुनो, 22वां पद बोल रहा है 149। भाई 22वां पद 149 का मतलब क्या हुआ तुम समझ नहीं रहा है? 22वां पद का मतलब हुआ a प्लस में 21 डी। हम कितना बार बोले, 8वां रहे, 6वां रहे, 15वां रहे, आपको एक कम करके लिखना है, ठीक है? तो यहां पे 22वां पद का मतलब a प्लस 21 डी बराबर में 149। और तुम क्या करना भाई, ए का तो मान नहीं लिखा दिया हुआ है ना कहीं, तो तुम छोड़ दो, ए का ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस डी का तो मान दिया ना कितना, 7, तो 21 गुना में 7 बराबर 149। अब इसको तुम गुना करेगा तो भाई कितना आएगा, 147। इट मीन्स ए का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2, उसको जाके घटा देंगे, तो अब ए का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो तुम अब एसएन निकालने में तुमको दिक्कत थोड़ा ना होगा यार, एसएन का फार्मूला लगा दो, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी। करना क्या है, तो एन का तो मान सवाल में दिया 22, 22 रख देंगे, ए का मान अभी हम यम निकाल लें 2, एन का मान फिर से 22 और डी का मान 7, सब मान रख के आंसर जो आएगा ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, मतलब जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे तो हमें आंसर पता चलेगा। तो कुछ इस तरीके से 7वें क्वेश्चन था। अब मुझे उम्मीद है कि इतना चीज बता देने के बाद अब जरूर सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, तो हम लोग इसीलिए हम अधूरा क्वेश्चन को ही छोड़ते चले जा रहे हैं। आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ट्राई कीजिएगा, और ट्राई कीजिएगा तो जरूर बनेगा, और अपना बुक का जो आंसर है वो जरूर मैच कीजिएगा, ठीक है? चलिए उसके बाद 7 के बाद हम लोग आते हैं 8 पे। क्या बोल रहा है नंबर 8 क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए हमको कितना पद का योग ज्ञात करना है, तो 51 पद का, ठीक है? 51 गो पद है, इसका मतलब दिया है क्या भाई, तो एन का वैल्यू 51, और इसी 51 का क्या निकालना है, योग निकालना है, मतलब कि जोड़ एसएन निकालना है, ठीक? चलो भाई आगे देखते हैं। जिसमें दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। क्या बोला कि दूसरा पद, देखो ये सब लैंग्वेज पकड़ो, लैंग्वेज पकड़ो, कभी भी मैथ रट्टा मत मारो, या फिर ये नहीं समझो कि ऐसा ही बनाया जाता है, हम ऐसा ही करेंगे, कभी नहीं। आप हमेशा देखो कि क्या दिया है, तो दूसरा पद बोला 14 इस सवाल में बोल रहा है, और तीसरा पद बोल रहा है 18, तीसरा पद 18, ठीक है? आप समझो कि दूसरा पद 14 बोला, यानी कि इससे हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं कि a प्लस डी, दूसरा में एक घटाएंगे तो एक डी बराबर 14। अभी तीसरा पद बोल रहा है भाई, तो तीसरा पद 18 का मतलब a प्लस 2d बराबर 18, और दोनों को माइनस कर लेंगे तो a तो खलास, और d और माइनस d कितना, माइनस d, 14 माइनस 18 कितना, माइनस 4। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे माइनस से माइनस खत्म, इसलिए d का मान कितना आ गया, 4, और d का मान 4 आ गया, तो आप समीकरण 1 मान लो और 2 मान लो, तुमको जिस समीकरण से चलना है उस समीकरण से चल के a का मान निकालो, यानी कि हमको मतलब समीकरण 1 से चलने का है, तो 1 से चल के, तो 1 समीकरण क्या है, a प्लस डी बराबर में 14, डी के मान जितना आया है आप रख दीजिए और a का मान यहां से निकाल लीजिए, तो a का भी मान पता चल जाएगा, d का भी चल गया, एन का भी पता चल जाएगा, तो आप एसएन का फार्मूला लगा दीजिए और उससे जो चलते चलते आएगा वो हम लोगों को आंसर हो जाएगा। तो दैट इज अ सिंपल, और कोई हार्ड नहीं है, बस अलग हम आपको हिंट्स पे के तौर पे बता दिए कि यहां से डी का मान निकल गया, समीकरण 1 से चलिएगा तो डी के जगह पे 4 रखिएगा तो ए का मान निकल जाएगा,
और ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया और एम सवाल में दिया है, तो एस एन का वैल्यू फार्मूला पे सब कमांड पुट कर देना है और जो आएगा हम लोगों को आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। देखिए सबसे पहला क्या बोल रहा है कि 7 पदों का योग, 7 पदों का योग 49 है, 49 है, इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि S7 का मान 49 हो गया। नहीं, 7 पदों का योग का मतलब S7 का वैल्यू 49 तथा 17 पदों का योग कितना दिया है भाई, 289। इसका मतलब यह हुआ कि S17 का मान दे दिया 289। तो सवाल बोल रहा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का मतलब Sn का मान रखना, निकालना है, ये सवाल बोल रहा है। अब जरा बातों को समझिए कि सर इसमें क्या ढंग का क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। S7 का मान 49 और S17 का मान 289 का मतलब क्या हुआ? तो भाई अगर आप इससे चलोगे S7 बराबर 49, तो इससे चलोगे तो आप यहां पे लिखोगे कि यहां n का वैल्यू कितना लेना है, 7। यहां पे n का वैल्यू कितना लेना है, 7। ठीक है, अब यहां पे n का वैल्यू आपको 7 लेना है तो इसके जगह पे फॉर्मूला क्या होगा, n बाय 2, तो आप लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7-1 इंटू में d बराबर में 49। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 7/2 ब्रैकेट में 2a और 7 में से 1 गया तो 6d बराबर में 49। ठीक है, अब यहां पे करेंगे क्या कि बारी बारी से गुना सीखे है ना भाई करने का, तो यहां पे करेंगे तो कैसा बनेगा, 7/2 गुने 2a प्लस 7/2 गुने 6d बराबर में कितना, 49। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 3 बार में कटा, तो कुल मिलाकर यहां पे जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7a प्लस 21d बराबर 49। अब यहां से कॉमन क्या हो रहा है, तो 7 कॉमन हो रहा है, तो a प्लस 3d बराबर 49, इसलिए a प्लस 3d का जो मान आएगा वो क्या होगा, 49/7। तो ये 7 बार में कटेगा, तो हमको पता चल गया कि अतः a प्लस 3d का जो मान होगा, दिख रहा है ना, मार्कर नहीं चल रहा अच्छे से, इंक डालना पड़ेगा, a प्लस 3d बराबर कितना हो गया, 7। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, जैसे हम S7 का वैल्यू 49 से एक समीकरण निकाले हैं, वैसे ही आप S17 से एक समीकरण निकालिएगा। समझ रहे चीजों को, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए तो इतना चीज नोट कर लीजिएगा, एक के नीचे एक। हम आगे बताते हैं फिर से, चूंकि ध्यान रखिएगा हमें SN निकालना है, क्या निकालना है, SN। तो SN का फॉर्मूला हम बताएंगे कि क्या होगा, फिलहाल एक समीकरण निकल गया, और फिर चूंकि S17 का वैल्यू कितना दिया, तो चूंकि S17 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 289, 289 है, 289। तो यहां पे n का जगह पे यूज कितना करना है, यहां पे, यहां पर जो n का मान यूज करना है वो 17 यूज करना है, तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा n/2 यानी कि 17/2 2a प्लस n माइनस 1 17-1 इंटू में डी बराबर 289। 17 में 2 से भाग करेंगे तो 17/2 2a प्लस
17 में से एक गया 16D बराबर 289। अब आप देख पा रहे होंगे हम लोग जानते हैं कि इसको बारी बारी से गुना करते इससे भी इससे भी, तो 17 बटा 2 गुना 2a प्लस 17 बटा 2 गुना 16D बराबर 289। ठीक है, 2 से 2 बार में कटा एक बार में, 2 से 8 बार में कटा, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 17a प्लस 17 8 136 ना, हाँ 136B बराबर में 289। अब यहां से 17 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा a प्लस 8D बराबर 289। और यहां a प्लस 8D का गुना में ना है साथ, तो इधर करेंगे तो किस में होगा भागा में, तो इसके वजह से कितना आया तो लिखेंगे अतः a प्लस 8D का जो मान आएगा वो 289 में 17 से भाग करने से आएगा। तो कितना बार में कटेगा तो भाई 17 बार में, इसलिए हम बोलेंगे कि a प्लस 8D का मान कितना आ गया 17। इसको मान लेना है कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 से जब चलेंगे तो हम लोगों का वैल्यू पता चल जाएगा कि a और d का मान क्या होगा। इट मींस ऐसे क्या है अब समीकरण 1 और 2 से, जरा उसमें चलते हैं हम लोग। तो यहां पे लिखा हुआ है समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या है पहले आ चुका है हम लोग का a प्लस 3d बराबर में 7, और दूसरा समीकरण क्या आया है तो a प्लस 8d इज इक्वल टू a प्लस 8d का जो वैल्यू आया है वो 17 आया है, यानी कि यहां पर रख देंगे 17। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों से चलेंगे हम लोग तो कितना आ रहा वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा ना, वैल्यू कट जाएगा, एक कट जाएगा आप देख पा रहे होंगे, और 3D में से 8D अगर जाएगा तो माइनस में 5D बचेगा ना, और इज इक्वल टू माइनस में 10, तो माइनस माइनस कट गया, तो टोटल मिलाकर डी का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो 10/5 यानी कि 2, तो डी का वैल्यू 2 आ गया। अब सवाल में क्या बोल रहा था कि SN का वैल्यू, तो फिलहाल इसको माना है समीकरण 1 ना, तो अब लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था भाई तो a प्लस 3d बराबर 7, और d का मान कितना रखना है 2, तो a प्लस 3 दुना का 6 बराबर में 7, इसलिए जब a का मान निकालेंगे तो इधर प्लस में 6 है उधर जाएगा तो किसमें होगा माइनस में 6, यानी कि वैल्यू हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो d का भी वैल्यू पता चल गया, a का भी वैल्यू पता चल गया। अब जब आप लिखिएगा उसके नीचे वो क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि अब nवें पदों का योग, यही ना सवाल बोल रहा था, nवें पदों का योग हमें क्या करना था निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है कि पूछ रहा था, इसलिए हम बोलेंगे कि nवें पदों का मतलब SN, और SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एन का वैल्यू तो नहीं पता तो n का वैल्यू n छोड़ देंगे, तो n का n छोड़ दीजिए बटा में 2, और a की जगह पे कितना रखना है 1, तो यहां 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस n-1 को n-1 छोड़ दीजिए, d का वैल्यू कितना आया है भाई तो 2, तो यहाँ d का वैल्यू 2 कर दीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि यहां से वैल्यू कितना निकला n/2 2 प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो 2n, और 2 को माइनस से गुना करेंगे तो -2, तो a गो 2 प्लस में है और a गो 2 माइनस में है, कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हम लोगों का n/2 इंटू में क्या 2n,
तो टू से टू कट गया तो आंसर हो जाएगा एन एन को गुना करने पे एन स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे चीजों को कि यहां पे जो हम लोगों को आ रहा है एनवे पदों का योग कितना आ रहा है एन का स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक के डिस्कस किया है, और फिर जब भी अगले क्लास होगी तो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 से अगले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम जितना भी क्वेश्चंस को अधूरा छोड़े हुए हैं समझाकर, आप प्लीज उनको अभी तुरंत जस्ट बनाइए और फिर हमें सेंड कीजिए। और हाँ, एक बार आप अपने बुक से भी आंसर मैच कर लीजिएगा, अगर उसमें भी डाउट होगा तो फिर हम ही हैं साथ में, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी दुआ के साथ हम लोग मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।